दोस्तों अगर आप भी एक इंस्टाग्राम यूजर हो, दोस्तों अगर आप भी अपने इंस्टाग्राम में कुछ ऐसी गलतियां करोगे जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो दोस्तों आपका इंस्टाग्राम जो है वो कोई भी बंदा जो है वो हैक कर लेगा। इसलिए दोस्तों आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और आपको समझना है कि आपको अपने इंस्टाग्राम में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में जो है वो 3 गलतियों के बारे में बताऊंगा। आपको अपने इंस्टाग्राम में वो गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो चलिए दोस्तों ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पर गलती आती है कि दोस्तों आप अपने इंस्टाग्राम में जो है वो पासवर्ड नहीं लगाते। जैसे कि मान लो कि आप अपने इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करते हो तो आप अपने इंस्टाग्राम में जो है वो कई बार जो है वो पासवर्ड नहीं लगाते, या फिंगरप्रिंट या पिन पासवर्ड जो है वो आपको जरूर से लगा कर रखना चाहिए अपने इंस्टाग्राम ऐप को। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, कई बार हमारे कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो हमारे इंस्टाग्राम के चैट को जो है वो पढ़ना चाहते हैं, इसलिए दोस्तों वो आपसे जो है वो आपका फ़ोन ले लेते हैं और आप भी विश्वास के साथ जो है वो उन्हें फ़ोन दे देते हैं। इससे दोस्तों होता क्या है, आपके इंस्टाग्राम में पासवर्ड नहीं लगा होता, इसलिए वो करते क्या है, आपके आगे पीछे जो है वो आपके इंस्टाग्राम का जो है वो पासवर्ड चेंज कर देते हैं। चेंज करने के बाद में दोस्तों वो आपके इंस्टाग्राम को जो है वो पूरे एक्सेस जो है वो अपने पास ले लेते हैं, जिससे आपको पता भी नहीं चलता कि मेरा इंस्टाग्राम जो है वो किसी दूसरे के बंदे के फोन में जो है वो खुला है। इसलिए दोस्तों आपने करना क्या है, अगर आप चाहते हो कि आपका इंस्टाग्राम जो है वो सेव रहे, आपका इंस्टाग्राम कोई भी हैक ना कर सके, तो आपने सबसे पहले जो है वो अपने इंस्टाग्राम को जो है वो पासवर्ड जरूर लगा के रखना है, या फिंगरप्रिंट या पिन या पैटर्न, आपने इनमें से कोई भी पासवर्ड जो है वो अपने इंस्टाग्राम ऐप को जो है वो जरूर से लगा कर रखना है। उसके बाद में दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है, दोस्तों कोई भी अगर आपको अननोन बंदे जो है वो लिंक पर क्लिक करने के लिए बोलता है तो आपने लिंक पर कभी भी क्लिक नहीं करना है। कोई भी अननोन बंदा आपको जो है अगर लिंक पर क्लिक करने के लिए बोलता है या किसी वेबसाइट पर जाने के लिए बोलता है तो आपने उन वेबसाइट पर विजिट नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों कई बार होता क्या है, कुछ ऐसी वेबसाइट होती है जो हैकर ने बनाई होती है, इसलिए दोस्तों जैसी आप उस लिंक पर या उस वेबसाइट पर जाओगे तो आपका इंस्टाग्राम जो है वो कोई भी बंदा जो है वो हैक कर लेगा। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों, अगर आपको कोई भी अननोन बंदा लिंक भेजता है या वेबसाइट पर जाने के लिए बोलता है तो आपने वो नहीं करना है। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों, आपने चेक करना है कि आपका इंस्टाग्राम जो है वो कहीं हैक तो नहीं है। तो आपने चेक करने के लिए करना क्या है, अपनी प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक करना है, उसके बाद में आपको दिखेंगे 3 डॉट, तो आपने 3 डॉट पर करना है क्लिक। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद में आपको दिखेगा सेटिंग का ऑप्शन, तो आपने सेटिंग वाले ऑप्शन पर करना है क्लिक। आपको यहाँ पर दिखेगा सिक्योरिटी वाला ऑप्शन, तो आपने सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर करना है क्लिक। उसके बाद में आपको दिखेगा लॉगिन एक्टिविटी, तो आपने लॉगिन एक्टिविटी वाले ऑप्शन पर करना है क्लिक। जैसे ही दोस्तों आप लॉगिन एक्टिविटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको दोस्तों यहाँ पर जो है वो आपकी लोकेशन बताई गई होगी और आपके डिवाइस का नाम जो है यहाँ पर बताया गया होगा। दोस्तों आपने यहाँ पर चेक करना है कि यहाँ पर जो है जिस पर एक्टिव नाउ लिखा है वहाँ पर जो है वो मेरे ही डिवाइस का नाम है। अगर तो आपके ही डिवाइस का नाम है तब ठीक है, अगर यहाँ पर जो है वो आपके डिवाइस का नाम भी है और किसी और के डिवाइस का नाम भी है, जैसे कि यहाँ पर जो है वो और के डिवाइस का नाम लिखा है, तो आपने करना क्या है, उसके सामने आपको दिखेंगे 3 डॉट, तो आपने 3 डॉट पर करना है क्लिक। क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पर जो है वो किसी और के डिवाइस का नाम लिखा होगा तो वो आपका डिवाइस जो है वो हैक होगा, तो आपने करना क्या है, अगर किसी और के डिवाइस का नाम लिखा है तो उसके सामने आपको दिखेंगे 3 डॉट, तो आपने 3 डॉट पर करना है क्लिक। उसके बाद में आपने कर देने हैं लॉग आउट। जैसे ही दोस्तों आप लॉग आउट कर दोगे तो दूसरे बंदे के डिवाइस जो है वो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो लॉग आउट हो जाएगा, तो आपने करना क्या है, जैसे ही आप लॉग आउट कर दोगे उसके बाद में दोस्तों आपने अपने इंस्टाग्राम पासवर्ड को जो है वो चेंज कर देने हैं। उसके बाद में दोस्तों आपका इंस्टाग्राम जो है वो सेव हो जाएगा अगर आपका इंस्टाग्राम जो है वो हैक होगा। दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जो आज मैं आपको इस वीडियो में देना चाहता था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो। दोस्तों अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए हमेशा ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।